नमस्ते अनुराधा जी, नमस्ते कविता जी। आज मैं आपको एक चमत्कार के बारे में बताना चाहता हूँ। इस विश्व में उन गिनी चुनी सिंगर्स में से हैं जो जितनी सधी हुई रविंद्र संगीत गाती हैं, उतनी ही मस्ती से हवा हवाई ये जितनी श्रद्धा से भक्ति गीत गाती हैं, उतना ही मसाला लगाकर मेरा पिया घर आया। ये जितने दर्द से हम दिल दे चुके सनम गाती हैं, उतने ही जोश से डोला रे डोला भी गाती हैं। चार फिल्म फेयर अवार्ड और 140 करोड़ दिल जीतने वाली मैं इनके लिए दो लाइंस गाना चाहूंगा। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश हो, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो मन का जोश जोश, नहीं तेरा मदहोश है तू हर वक्त वक्त। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। ओह माय गॉड। अच्छा, ये मैं अपने लिए नहीं कह रही थी, मैं आपके फादर के लिए कह रही थी। थैंक यू सो मच कविता जी। आज हमारे साथ कविता जी और अनुराधा जी तो हैं ही, लेकिन कोई और भी आ रहा है हमारे साथ। प्लीज वेलकम TK, यानी कि तुषार कपूर और सीरत कपूर। वेलकम टू इंडियन आइडल, बहुत अच्छा लग रहा है। तुषार सीरत, आपकी नई फिल्म आ रही है मारिच। मारिच का मतलब इट्स ईविल। तो रामायण में भी जो मारिच थे वो मतलब एक भेस बदल के आते हैं सीता को किडनैप करने के लिए। तो हमारे मर्डर मिस्ट्री में भी जो असली कातिल है वो मारिच है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे अपने असली रूप में। दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी सस्पेक्ट। माय गॉड, आहा, कितने अच्छे लग रहे थे पापा शिवम। अपनी पोती समान लड़की को हाथ दिया उन्होंने, कितनी अदब है। उस जमाने की बातें कुछ अलग है। आज आपको करने हैं अपने फेवरेट के लिए वोट पे वोट, ताकि और कोई पहुंचे ना पहुंचे वो पहुंचे टॉप 10 में। बड़ा वो नहीं जो बड़े शहर के नाम से पहचाना जाए, बड़ा वो है जिनके नाम से उनका छोटा शहर दुनिया में जाना जाए। आज मैं उन सिंगर्स के बारे में जिक्र करूंगा जिन्होंने अपने छोटे छोटे शहरों को बड़ा बना दिया। जैसे कि मध्य प्रदेश के खंडवा वासी बड़े गर्व से कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर किशोर कुमार का जन्म यहां हुआ था। महाराष्ट्र के सांगली जिले के गोर गांव वासी फक्र से कहते हैं कि आशा भोसले नाम की चमत्कार का जन्म यहां हुआ था। Amazing. और वो दिन दूर नहीं जब वेस्ट बंगाल के बेलूर मठ के लोग सीना चौड़ा करके कहेंगे कि शेजूती का जन्म यहां हुआ था। लगा कोई लौट के आया
Amazing. मैं हिमेश जी जैसे तो बोल नहीं सकती, वो माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक बोली ना एक बार मेरे लिए। मुझे तो लगता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद डबल सुपर, डबल माइंड ब्लोइंग, डबल फैंटास्टिक, डबल हिस्टोरिक, डबल अनबीटेबल, डबल इनक्रेडिबल, डबल अल्टीमेट और डबल जय माता दी, लेट्स रॉक। बस इन्होंने जो कहा यही मेरी फीलिंग्स है। ये गाना को कहाँ से तुम कहाँ लेकर गए? इट्स एब्सोल्युटली इंटरनेशनल, फैंटास्टिक। बहुत आई हैव, आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस, आई एम रियली स्पीचलेस। काव्या, चार स्केल चेंज कौन करता है यार? पागल वागल हो क्या? सीरियसली, व्हाट इज गोइंग ऑन? या आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू, इट इज जेन्युइनली इनक्रेडिबल व्हाट यू हैव डन, इनक्रेडिबल। काव्या, बहुत बार ये होता है कि ओरिजिनल सिंगर के वॉइस में जब हम एक कोई गाना हमें अच्छा लगता है तो किसी और की वॉइस में वही गाना
उतना ही अच्छा लगे या उससे बेटर लगे ये बहुत कम होता है हाँ विच इज द क्वालिटी दैट शी हैज इन हर वॉइस यस मौसम बदल दिया है काव्या ने अनु जी की एक बात मुझे बहुत याद आ रही है कि एक बार षण्मुखानंद में बैक स्टेज में ये मेरे साथ थी कोई आदमी कोई आए शख्स और उनको सुनकर बहुत इम्प्रेस्ड हो गए और बहुत नर्वस भी हो गए उनके सामने तो उन्होंने को कहा कि यू रियली हैव अ वेरी फ्राइट बुचर इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्राइट फ्यूचर काव्या यू हैव अ वेरी फ्राइट बुचर कविता मैम मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपकी इजाजत हो तो आप मेरे साथ ये गाना गाएंगी प्लीज ऑसम ऑसम कविता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिए तो जिए कैसे आपके
Not even minutes, within seconds तुमने जैसे दो गानों में switch over किया और इतने सफाई से गाया तुमने, it's really commendable. और दोनों गाने तुमने इतने confidence से गाया जैसे कि तुम्हारे अपने गाने हैं. Thank you. चिराग की जो पिछली performance है, वो बहुत ही ज़्यादा viral हो गई है, मुबारक हो. Oh. और इस performance में बहुत सारे reels भी बन रहे हैं. क्या बात कर रहे हो? Wow. जी सर. अभी दिखाता हूँ, ये देखिए. दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए. तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या? सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? वो कुछ ही दिनों में सर 73.3K रील्स इस परफॉर्मेंस में बन चुकी है. एक बार जोरदार ताली हो जाए. बात है चिराग, अरे चीरो के लिए. थैंक यू सर. और अगर 73,000 रील्स इस गाने पे बनी है तो आज के तुम्हारे परफॉर्मेंस पे 73 लाख रील्स बनेंगे.
मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे बारे में. हम दोनों का गाना तुमने गाया लेकिन बिल्कुल अपनी आवाज़ में गाया. तुमने नोट्स गाना बिल्कुल अच्छी तरह उठाकर लेकिन वॉइस को तुमने चेंज करने की कोशिश नहीं की, जो काफ़ी सारे लोग कोशिश करते हैं. यू कैप्ट योर ओन ओरिजिनल सिंगिंग. वेरी वेरी नाइस. बहुत अच्छा. वेरी नाइस. अमेजिंग अमेजिंग. बहुत ही अच्छा गाया. और दोनों गाने इतने अलग अलग मूड के थे लेकिन तुमने पूरा जस्टिस किया इसे. वेरी नाइस. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. अनुराधा जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अनुराधा जी, अगर दो लाइंस बहुत प्यार करते हैं कि हो जाए तो. बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम. बहुत प्यार करते हैं.
an immortal song. What an immortal song. Anuradha ji ne abhi itna acha ga diya hai, to Kavita ji se bhi to request karni padegi. Ek line piya ghar aaya to hona chahiye. Kavita ji, we are fans. कविता मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत यंग एज से अपना करियर स्टार्ट किया था प्लेबैक सिंगिंग में, तो मैम पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब स्टूडियो में गए थे? एक्चुअली मैं कॉलेज में जब गाती थी, शुरुआत जब किया तो हेमंदा चीफ गेस्ट थे, तो उनके साथ फिर स्टेज में गाने लगी. तो अचानक एक दिन हेमंदा का फ़ोन आया और बोले कि कल क्या कर रहे हो? ऐसे दादा, आई एम गोइंग टू कॉलेज. इसे नहीं नहीं, कॉलेज मत जाना, तुम सीधा राजकमल स्टूडियोज आ जाओ 10 बजे. तो मैं 10 बजे पहुंची तो सडनली मुझे देखकर बोले, एक तो वेट करो, लता जी आश्चिन. माइंड ब्लोइंग. तो उसके बाद दरवाज़ा खुला और देवी जी सफ़ेद साड़ी में लता जी आई. और मैं आपको बोल नहीं सकती, मेरी सांसें बंद हो चुकी थी. उसके बाद उस ज़माने में तो एक ही स्टूडियो में एक ही साथ दो माइक्स लगे होते ना, एक ही साथ म्यूजिशियंस के साथ गाना पड़ता है. तो ऐसे फाइनल रिहर्सल में तो मैं अपनी लाइंस भूल ही गई, क्योंकि मैं देख रही थी कि लता जी कैसे माइक पे गा रही हूँ, मुग्ध एकदम. तो फिर हेमंदा बोले, क्यों हुए छे, क्या नो गाओ नहीं तुम्हें, क्या हुआ, क्यों नहीं गाई? तो अब डोंट फॉरगेट, नाउ वी आर स्टार्टिंग द टेक, डोंट मेक अ मिस्टेक. आई सेड ओके. फिर लता जी ऐसे चश्मा ऐसे करके मुझे देखकर मुस्कुराई, उनको समझ में आ गया क्या हुआ. मैं डायगनली खड़ी थी. उसके बाद गाया मैंने. बट एक बात बताऊं, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे सर पे है, क्योंकि बहुत साल 12 साल के बाद जब मैं उनके साथ वापस कुछ लाइंस गाए, उन्होंने याद से मुझे कहा, बहुत साल के बाद तुम्हारे साथ गा रही हूँ ना, ऐसे बोले. That's so amazing. थैंक यू सोनाक्षी, बहुत अच्छा गाया आपने. एक बार सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां. किसी चलते शो के बीच इन 11 में से किसी एक को और उनकी फैमिली को मिलेगी एक चमचमाती साए साए करके चलने वाली दुनिया की ड्रीम कार. ये तो फिनाले यार, दिस इज, ये तो फिनाले में सर, 25 एपिसोड में फिनाले होता है आम शोज का. बट वी आर नॉट आम शोज. टॉप 11 को एक एक करके परफॉर्म करना होगा. हम विनर डिसाइड करेंगे प्योरली इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर, हम यानी कि जजेस. ऑलराइट. और मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी को जीतने की दावेदारी के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड्स. सो कंटेस्टेंट्स, क्या आप तैयार हैं? ओह माय गॉड, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी ऊर्जा. तो हो जाए, लेट्स बिगिन. जी
जाए तू चाहते हैं अगर आके मुझसे मिल जा तू ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको तू ही रे तू ही रे तेरे बिना कैसे जीऊं जाने रे शक्ल दिखा दे एहसान है उसका जो मुझे मुझसे कुछ पूछा ना कुछ मांगा
जो दिया ना कुछ बोला ना कुछ बोला मुस्कुरा के दिया जो दिया तू ही धूप तू ही छाया तू ही अपना बनाया और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू तुझ में दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या क्या बात है एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे 11 के 11 दावेदारों के लिए बहुत ही खूबसूरत गाया एक सेकंड पहले कविता जी आप बताइए ना आपने मुझसे क्या हो जाए मैं पहले पूछ रही थी इस गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं क्या क्या बात है ओह माय गॉड इतना मजा आ रहा है वैसे हमारे तुषार भाई के लिए एचआर ने ओहो हो हो क्या गाने दिए हैं सर जबरदस्त है ना तुषार भाई एब्सोल्युटली आइकॉनिक गाने हैं आप दोनों के साथ में और आप लोग निकम्मा किया दैट माय सेकंड फिल्म निकम्मा किया ओ माय गॉड एचआर आप भी यहाँ हैं तुषार भी यहाँ हैं तो हो जाए ऑडियंस सुनना चाहते हैं हर इंसान ने कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार किया है माय राइट उसी प्यार के नाम आज की है शाम निकम्मा 1, 2, 3, 4 यादों में खोया रहता है मुश्किलें पैदा करता है वादों में डूबा रहता है बड़ा बदनाम करता है निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा निकम्मा आइकॉनिक गाना और तुषार ने क्या डांस किया है तब भी और आज भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू सो मच तुषार थैंक यू सीरत फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़